हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आप सभी के एमपी सुपर टेट वर्ग टू एंड वर्ग थ्री का एग्जाम जल्द ही होगा और आपके सामने यूपी टीजीटी ही भी जल्द से जल्द होने वाला है और EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल स्कूल का फॉर्म भी अप्लाई होने लगा है। जैसा कि आप सबको पता है, जल्द से जल्द इस सब एग्जाम होंगे और आपके लाइन पे 3-4 एग्जाम लगे हुए हैं, तो इसका प्रिपरेशन आई होप कि आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस से डेली बेसिस पे लगवा रही हूँ और मैं स्टार्ट कर दी हूँ। यह पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले आप जानते हैं कि एमपी टेट में जो मैंने आपको प्रैक्टिस से रिवीजन कराया था, तो वहीं से सभी क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं रिवीजन क्लास की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, जिससे क्वेश्चन में कोई डाउट होगा सब मिलकर हम लोग सॉल्व करेंगे। आप कमेंट में जरूर बताइए एंड अपना स्कोर चेक कीजिए। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, रोमन काल में मार्स किसे कहा जाता था? तो रोमन काल में मार्स युद्ध के देवता को कहा जाता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में ओलंपिया की अवधि कितनी होती थी? तो प्राचीन ओलंपिक में कितने दिन ओलंपिक खेल होते थे दोस्तों? तो 5 दिन। एंड आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिवस का होता है? तो 16 दिन का। नेक्स्ट है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, आर्चरी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी मिल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? वायवीय श्वसन के द्वारा। ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज से अभिक्रिया करके एटीपी का निर्माण करता है और ये कहाँ पे संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी मिल कहा जाता है। तो एटीपी मिल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ी यानी स्किन की बीच की परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसके ऊपरी परत को एपिडर्मिस और इसके दूसरी परत को कहते हैं डर्मिस, ठीक है। डर्मिस के नीचे एडिपोज टिश्यू होता है, जिसके अंदर जहां पे वसा जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में जमा रहता है, जिससे त्वचा की रक्षा होती है। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल किन पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो है वसा प्रोटीन से मिलकर बना होता है और कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, LDL एंड HDL। HDL जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एंड LDL जो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो आप हमारे शरीर के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, अच्छा नहीं होता। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेरिमेंटलिज्म का जनक किसे कहा जाता है? एक्सपेरिमेंटलिज्म यानी कि प्रयोगवाद, जिसे व्यवहारवाद भी कहा जाता है, इसके जनक हैं जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। प्रयोगवाद के जनक कौन है? जॉन डीवी। नेक्स्ट है दोस्तों, रिक्रिएशनल थ्योरी मनोरंजनात्मक धारणा के प्रतिपादक कौन है? तो GTW पैट्रिक और लॉर्ड केम्स हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? यहाँ पे 2008 नहीं हुआ है, 2028। 2020 में टोक्यो जापान में हुआ है, 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा एंड 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में संपन्न होगा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीटी ऊषा किस दौड़ में सेकेंड के 100वें हिस्से के कारण कांस्य पदक से वंचित रह गई थी? तो दोस्तों, ये 400 मीटर बाधा दौड़ में 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक में इन्होंने 400 मीटर में 100वें हिस्से के कारण
कांस्य पदक से वंचित रह गई थी। नेक्स्ट है एडिसन एरांटेस डो नासिमेंटो, किसका पूरा नाम है? तो यह पूरा नाम है फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले का। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म, जिसे प्रयोगवाद भी कहा जाता है और व्यवहारवाद भी कहा जाता है, तो प्रैग्मेटिज्म का दूसरा नाम क्या है? तो एक्सपेरिमेंटिज्म, क्या है दूसरा नाम? एक्सपेरिमेंटिज्म एंड डिवेइज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर क एंड ख दोनों राइट होगा, तो यहाँ पे घ आपका राइट होगा। इसके जनक हैं जॉन ड्यूई। एंड आदर्शवाद के जनक हैं प्लेटो और यथार्थवाद के जनक हैं अरस्तु। नेक्स्ट है एंड प्रकृतिवाद के जनक हैं रूसो। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहा जा सकता है, उसी प्रकार वसा तथा प्रोटीन से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहा जा सकता है, उसी प्रकार वसा तथा प्रोटीन से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। एंड नेक्स्ट है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की खोज किसने किया? तो दोस्तों स्लाइडिंग फिलामेंट यानी कि पेशी का सरकवा सूत्र सिद्धांत जो है H.E. हक्सले ने 1954 में किया, जिससे हमको सबको पता चला कि पेशी जो है कैसे कार्य करती है, उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट कैसे होता है, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट कैसे सरकती है, सरकोमियर क्या है, ये सभी चीज़ों का पता चला H.E. हक्सले ने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के माध्यम से बताया। एंड दोस्तों नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन। न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन द्वारा किस फिटनेस कंपोनेंट को विकसित किया जाता है? तो दोस्तों यह फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का विधि है, फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का बैलिस्टिक स्टैटिक डायनामिक एंड PNF मेथड होता है इसको विकसित करने का, जिसमें से PNF मेथड को न्यूरो प्रोपायोसेप्टी न्यूरो मस्कुलर फैसिलेशन भी बोला जाता है। तो न्यूरो मस्कुलर फैसिलेशन जहाँ पे ज्वाइंट की बात आए कि वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होगा। एंड दोस्तों मंथली ट्रेनिंग प्रोग्राम किसे कहा जाता है? तो मंथली ट्रेनिंग प्रोग्राम किसे कहा जाता है? तो मंथली यानी कि मंथली ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि मासिक ट्रेनिंग चक्र बोला जाता है मीजो चक्र। मीजो साइकिल जो 4 से 6 वीक यानी कि 3 से 6 सप्ताह का होता है एंड यानी कि 1 से 1.5 माह का होता है। इसे मासिक ट्रेनिंग चक्र या अवस्थान चक्र या मध्यम चक्र भी बोला जाता है। मीजो चक्र को तैयारी का काल भी बोला जाता है। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया है कि प्रशिक्षण चक्र यानी ट्रेनिंग साइकिल 3 होते हैं, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। मैक्रो चक्र जिसे ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं, वार्षिक योजना भी कहा जाता है, सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है, 3 से 12 महीने का होता है। एंड दूसरा होता है मीजो चक्र जो 3 से 6 सप्ताह का होता है, जिसे मासिक ट्रेनिंग चक्र या अवस्थान चक्र भी बोलते हैं। एंड तीसरा चक्र होता है माइक्रो चक्र जो 3 से 10 दिन यानी 1 सप्ताह का होता है, सबसे छोटा चक्र होता है, जिसे सूक्ष्म अवधि चक्र या साप्ताहिक योजना भी कहते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का संबंध किस प्रकार के खेलों से होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो हमको दोस्तों शरीर को ऊर्जा देता है, तो ये हमारे लॉन्ग डिस्टेंस जो प्रकार के कार्य होते हैं उसमें ज्यादा जरूरत होता है, ठीक है। तो किस प्रकार के खेलों में जो लॉन्ग डिस्टेंस यानी इंडोरेंस वाले खेलों में यह कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का संबंध होता है? नेक्स्ट है दोस्तों ईईजी से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रो इंसुफेसोग्राफ
ग्राम यह पता लगाता है दोस्तों मस्तिष्क की क्रियात्मक क्षमता का पता लगाता है। एक होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हृदय की असमानता को पता लगाता है। नेक्स्ट है पाचन के दौरान आंतों में चिकनाई कौन बनाकर रखता है, तो होता है आपका पाचन के दौरान जो आंत होता है उसमें चिकनाई कौन बनाकर रखता है, विलाई। कौन? विलाई। विलाई जो है छोटी आंत में पाया जाता है, जो एक दीवारों जैसी संरचना होती है छोटी छोटी उंगलियों जैसी, जो पोषक तत्वों का अवशोषण करके रक्त नलिकाओं में मिला देता है और रक्त नलिकाओं के द्वारा समस्त शरीर में पोषक तत्व कोशिकाओं तक जाता है। नेक्स्ट है पेनाल्टी किक का संबंध किस खेल से है, तो जहां किक शब्द आए वहां पे आप फुटबॉल आंख मूंद के लगा सकते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 मेलबोर्न ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो 1956 मेलबोर्न ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे बलबीर सिंह। कौन थे? बलबीर सिंह। दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने सबसे पहले ओलंपिक में 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में खेला और 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड के कप्तान थे जयपाल सिंह, जिसमें ध्यानचंद ने 32 गोल किए थे कुल 36 में से। एंड दोस्तों उसमें भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जिसमें से लगातार भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया 1980 तक। एंड अभी तक में भारत ने ओलंपिक में कुल 12 पदक यानी कि 8 स्वर्ण 2 रजत 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। जैसे कि 1928 से 80 तक लगातार में लास्ट स्वर्ण पदक 1980 मास्को रूस में जीता है, 1960 में एक रजत पदक जीता है, उसके बाद 1968 एंड 1972 और 2020 टोक्यो में कांस्य पदक यानी कि 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक, ये कुल 12 पदक हॉकी में भारत ने जीता है। नेक्स्ट है ओलंपिक के समापन समारोह में समापन की घोषणा कौन करता है दोस्तों, तो ओलंपिक के समापन समारोह में समापन की घोषणा जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष करता है और उद्घाटन का समारोह की घोषणा कौन करता है, मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति करता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है आराम की अवस्था में सामान्य रूप से अंत श्वसन और वाह श्वसन में ली गई छोड़ी गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है, तो दोस्तों यह कहलाती है टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाती है? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो यह आपका टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे होता है वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वैल्यू, कप्लीमेंट्री एयर एंड सप्लीमेंट्री एयर, रेसिडुअल एयर और टोटल लंग कैपेसिटी, इन सब के बारे में मैंने श्वसन तंत्र वाले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि अधिकतम अंत श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है, यानी कि ये फेफड़ों की वह क्षमता होती है जो एक बार पूर्ण रूप से अंत श्वसन यानी इंस्पायरेशन करके पूरे बल के साथ जो हवा बाह्य श्वसन द्वारा बाहर निकाली जाती है उसी की मात्रा को कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस कम्प्लीमेंट्री ईयर प्लस सप्लीमेंट्री ईयर। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो सामान्य अवस्था में सांस अंदर ली जाती है और बाहर छोड़ी जाती है उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। यह होता है कुल आपका 500 ml। एंड कम्प्लीमेंट्री एयर होता है जिसे पूरक वायु कहते हैं, या सामान्य श्वसन के बाद यदि वायु और जोर से श्वास लेकर अंदर फेफड़ों में भरा जाए तो उसे कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एयर, जो 3000 ml होता है। एंड फिर होता है सप्लीमेंट्री एयर, परिशिष्ट वायु, जो गहरे श्वास द्वारा वायु को बाहर निकाला जाता है, एक्सपायरेशन किया जाता है, ये होता है इसकी मात्रा 1100 ml होता है। एंड एक होता है रेसिड्यूल एयर, जो अपशिष्ट वायु होता है जो पूरे बल के साथ एक्सपायरेशन यानी कि वाह श्वसन के पश्चात फेफड़ों में जो कुछ वायु बची रह जाती है उसी को कहते हैं रेसिड्यूल एयर यानी अवशिष्ट वायु, तो 1.2 यानी 1200 ml होता है। यानी कि पूछा जाता है कई बार वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, तो 4600 ml होती है, यानी कि 500 टाइडल वॉल्यूम, कम्प्लीमेंट्री एयर 3000 ml एंड 1100 ml सप्लीमेंट्री ईयर, पूरा मिला के 4600 ml यानी कि 4.6 लीटर।
आपका होता है ml में बोलेगा 4600 ml एंड लीटर में आपका दिया रहेगा तो 4.6 ml। एंड यानी कि वाटर कैपेसिटी का सूत्र होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस कम्प्लीमेंट एयर प्लस सप्लीमेंट एयर। वही पर होता है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी जो होता है उसका ज्ञात करने का सूत्र है वाटर कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल एयर। टोटल लंग कैपेसिटी यानी फेफड़े की कुल क्षमता, यानी कि वायु की वह कुल मात्रा जो फेफड़ों में समा सकती है। तो वाइटल कैपेसिटी होता है 4.6 लीटर यानी कि 4600 ml और रेसिड्यूअल एयर होता है 1200 ml। कुल मिलाकर के हो जाता है 5800 ml, यानी टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है 5800 ml यानी कि 5.8 लीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मिनट रन वॉक टेस्ट क्या मापता है, 12 मिनट रन वॉक टेस्ट क्या मापता है। तो दोस्तों 12 मिनट रन वॉक टेस्ट जो है तो है कार्डियो मस्कुलर, क्या मापता है यह मापता है कार्डियो वैस्कुलर एफिशिएंसी। 12 मिनट रन वॉक कार्डियो वैस्कुलर एफिशिएंसी को मापता है। इसकी खोज किया थे कूपर ने 1970 में। इसकी खोज किसने किया था, कूपर ने 1970 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलोड्रम क्या है। तो दोस्तों वेलोड्रम जो है साइकिलिंग के मैदान को वेलोड्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइकिलिंग के मैदान को वेलोड्रम बोला जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खेल के विकास का नियंत्रण किसके हाथों में होता है। तो यह होता है युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन होता है। एंड नेक्स्ट है कि मांसपेशियों का बाहरी भाग क्या होता है। तो दोस्तों मांसपेशी, संपूर्ण मांसपेशी को ढकने वाले को कहते हैं एपिमाइसियम। फिर मांसपेशीय समूह को, मांसपेशी तंतुओं के समूह को ढकने वाले को बोलते हैं पेरिमाइसियम। एंड एक मांसपेशी तंतु को ढकने वाले को बोलते हैं एंडोमाइसियम। तो यहाँ पे पेरिमाइसियम नहीं दिया है, तो सबसे बाहरी भाग को हम कहेंगे यहाँ पे फेसिया यानी कि एपिमाइसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को बाजपन रोधी यानी एंटी स्टरलेटी विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन संबंधी रोग हो जाता है और इसको ब्यूटी विटामिन या बाजपन रोधी भी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ पर दूसरे स्थान वाली खिलाड़ी पहले स्थान वाले के किस ओर खड़ा होता है। तो सबसे बीच में पहले स्थान वाला होता है, द्वितीय स्थान वाला पहले के दाएं तरफ खड़ा होता है। ठीक है, दाएं तरफ, और तीसरा स्थान वाला पहले के दबाएं तरफ खड़ा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि टार्सस में कितनी हड्डियां होती हैं। तो टार्सस हमारे टखने की हड्डियां होती हैं, जैसे कि हमारे कलाई को कार्पस कहते हैं जिसमें 8 हड्डियां होती हैं, और टखने में टार्सस बोलते हैं उसमें 7 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो टार्सस में कितनी हड्डियां होती हैं, 7। नेक्स्ट है दोस्तों ऑसिपिटल एटलांटो ज्वाइंट किस प्रकार की चल संधि है। तो ऑसिपिटल एटलांटो ज्वाइंट जो है ये हिंज ज्वाइंट है। कौन सी ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या होता है कि एक तल में गति होती है, जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है उसी तरह आपका यह भी एक तरफ ही गति करता है। इसे हिंज ज्वाइंट या कोर संधि भी बोला जाता है। इसमें आपका एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एंड उंगलियों का जोड़ आदि आता है, एंड ऑसिपिटल एटलांटो ज्वाइंट भी आता है। फिक्स ज्वाइंट आपका अचल संधि यानी कि खोपड़ी की ज्वाइंट को बोला जाता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है एक हड्डी दूसरे हड्डी पर फिसलता है, कार्पस एंड टार्सस ज्वाइंट होता है। सेडल ज्वाइंट जो होता है परस्पर आदान प्रदान करने वाली गति होती है, यह हमारा अंगूठा जो है सभी उंगलियों तक चला जाता है, ये सेडल ज्वाइंट में आता है। ज्वाइंट चल, अचल, अर्धचल तीन प्रकार के होती हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स में, उसको डिटेल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों काइफोसिस कमर के किस भाग की विकृति है। तो काइफोसिस को हिंदी में कुबड़ा कहते हैं, यह थोरेसिक भाग की विकृति है। ठीक है, कहाँ की विकृति है, थोरेसिक भाग की
थोरेसिक स्पाइन की विकृति है। नेक्स्ट दोस्तों, ईओजी का पूरा नाम क्या है? तो ईओजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी। एंड नेक्स्ट है कि रूसो ने किस दर्शन शास्त्र का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों रूसो ने प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म की प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है दोस्तों, स्ट्रोकिंग का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों स्ट्रोकिंग का संबंध स्ट्रोकिंग का संबंध है किस खेल से है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट है, पोषक तत्व संबंधित राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में, निन होता है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका राष्ट्रीय संस्थान है हैदराबाद। नेक्स्ट है, योग संबंधित राष्ट्रीय संस्थान कहाँ का क्या नाम है? तो यह है मोरारजी देसाई योग संस्थान। नेक्स्ट दोस्तों, बर्गर टूर्नामेंट किस टूर्नामेंट को कहा जाता है? यह आपके एमपी टेट में आया हुआ था और आ भी जाएगा अगले बार भी। तो बर्गर सिस्टम बोला जाता है लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को। तो यहाँ पे लीग टूर्नामेंट आपका राइट हो जाएगा। तो लीग टूर्नामेंट किसको कहा जाता है? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को। बर्गर सिस्टम किसको बोला जाता है? तो लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को, या सर्बिया भाषा में लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को बर्गर सिस्टम भी बोला जाता है। और इसकी खोज जो है जॉनी बर्गर ने, जो सर्बिया के शतरंज खिलाड़ी थे, उन्होंने किया था। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओबेसिटी कितनी एमआई को दर्शाता है? तो दोस्तों ओबेसिटी यानी कि जो मोटापा होता है वह 30 से अधिक बीएमआई जो होता है उसे ओबेसिटी में गिनती आने लगता है। 30 से अधिक यदि आपका बीएमआई हो गया तो ओबेसिटी में काउंट होने लगता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपका बीएमआई 16 से 18 के बीच में है तो आप अंडरवेट में है, यानी कि आपका वजन कम है, आप दुबले पतले कमजोर में गिनती आएंगे, आपको प्रॉब्लम होगा डाइजेस्टिव वीकनेस एंड स्ट्रेस एंजाइटी मसल्स ब्रेकडाउन एक्सेट्रा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आपका जब बीएमआई जो है 19 से 22.9 के बीच में है तो आप ऑल गुड है, यानी कि वो परफेक्ट है। अब 22.9 से यानी 23 से ऊपर जाने लगेगा तो आपका मोटापा धीरे धीरे आप ओवरवेट होने लगेंगे, और जब 30 से ऊपर हो जाएगा तो आपके मोटापे यानी ओबेसिटी में गिनती आ जाएगा। एंड दोस्तों आपका बीएमआई जो है 22 जो है वो दुनिया का बेस्ट बीएमआई होता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएलयूरेज क्या है? तो दोस्तों एफएलयूरेज जो है वह है मसाज। क्या है? मसाज का प्रकार है। मसाज चार प्रकार के होते हैं, स्ट्रोकिंग यानी सहलाने की हस्तकौशल विधि, प्रेशर यानी कि दबाना, परक्यूजन यानी थपथपाना, सेकिंग यानी कि झकझोरना या मिलाना। तो स्ट्रोकिंग जो है मसाज के अंतर्गत एफएलयूरेज आता है, जो हृदय से हृदय की तरफ मसाज किया जाता है इसमें, ठीक है, एफएलयूरेज में। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छोटा बच्चा साइकिल क्यों नहीं चला पाता है? तो परिपक्वता की कमी के कारण, यानी कि अपरिपक्वता के कारण, ठीक है, अपरिपक्वता के कारण एक छोटा बच्चा साइकिल नहीं चला पाता है। अपरिपक्वता का मतलब उसका न मसल्स मजबूत होता है, न उसकी सोच डेवलप होता है, मतलब अपरिपक्व होता है, मैच्योरिटी नहीं आई रहती है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सी ग्रंथि रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी पावर का कार्य करती है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करती है कौन सी ग्रंथि है? तो वह होता है थाइमस ग्लैंड। जैसा कि देखते हैं दोस्तों जो बच्चे में होता है, बच्चों में थाइमस ग्लैंड वो ज्यादा प्रभावी रहता है, ये हमारे हृदय वाले भाग में बीच में पाया जाता है। तो थाइमस ग्लैंड जो होता है वो बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है, बड़े होने पर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये टी लिम्फोसाइट डी लिम्फोसाइट का निर्माण करती है।
जैसे कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होता है, वो मिट्टी भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट हम नहीं कर सकती। तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, एक प्रकार का लिम्फैटिक अंग है, लसिका अंग है। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर के घाव को भरने में कौन सा पोषक तत्व कार्य करता है? तो कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को तीन प्रकार में बांटा गया है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले और शरीर की रक्षा करने वाले एंड शरीर का निर्माण करने वाले। ऊर्जा प्रदान करने में कार्बोहाइड्रेट वसा है एंड शरीर का निर्माण करने वाले में प्रोटीन है, रक्षा करने वाले में, रोगों से रक्षा करने में मिनरल्स यानी कि खनिज लवण एंड विटामिन है। तो शरीर का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन। तो घाव कौन भरेगा? प्रोटीन। आपका ऑप्शन नंबर क, प्रोटीन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें ऊर्जा यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनती है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ऊर्जा बनती है उसको कहते हैं अनएरोबिक क्षमता, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनती है उसको बोला जाता है एरोबिक क्षमता। अनएरोबिक जो है छोटे समय की क्रियाओं में, जैसे कि 1 से 2 सेकेंड, 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक की जो क्रियाएं होती हैं वो सभी आपकी एनएरोबिक में आती हैं, 2 मिनट तक की क्रियाएं। उससे ज्यादा की क्रियाएं आपका एरोबिक में आ जाती हैं, जैसे आपका स्प्रिंट दौड़ हो गया, भारोत्तोलन हो गया, ये सभी अनएरोबिक में यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पे क्रिया होती है, और एरोबिक में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जैसे एरोबिक में लंबे समय की क्रियाएं, एंड्योरेंस वाले क्रियाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, प्लीवरा किस अंग का भाग है? तो दोस्तों प्लीवरा जो है वो फेफड़े का भाग है, प्लीवरा से ढका रहता है फेफड़ा, ठीक है। प्लीवरल मेम्ब्रेन से कौन ढका रहता है? फेफड़ा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार ओलंपिक टॉर्च यानी टॉर्च रिले का प्रयोग किस ओलंपिक में किया गया? तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक टॉर्च रिले का प्रयोग किया गया जर्मनी में। एंड नेक्स्ट है, बाएं से ओलंपिक छल्लों में कौन सा छल्ला दूसरे स्थान पर आता है? तो यहाँ पे 5 छल्लों का प्रयोग किया जाता है, नीला, पीला, काला, हरा एंड लाल। दूसरे स्थान पर आएगा पीला। नीला जो है यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को प्रतीक है और दुनिया के एकता को प्रदर्शित करते हैं। एंड नेक्स्ट है, 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में किसके सहयोग से भारतीय दल ने प्रतिभाग किया था? तो दोस्तों 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार भारत ने अनधिकारिक तौर पर ओलंपिक में भाग लिया था, वो भी सर दुराबजी टाटा के सहयोग से, और इसमें 6 खिलाड़ी भाग लिए थे, 4 धावक और 2 कुश्ती खिलाड़ी। उसके बाद दूसरी बार अनधिकारिक तौर पर भारत ने ओलंपिक में भाग लिया 1924 पेरिस फ्रांस में, जिसमें 8 खिलाड़ी भाग लिए, 7 धावक और 1 टेनिस खिलाड़ी। उसके बाद प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भारत ने ओलंपिक में भाग लिया 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में, इसलिए यह भारत का गोल्डन ओलंपिक बोला जाता है 1928 को। इसलिए आप याद रखिएगा कि भारत का गोल्डन ओलंपिक किसे कहा जाता है, तो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक को, क्योंकि भारत आधिकारिक तौर पर 1928 हॉलैंड ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था, जिसमें 21 खिलाड़ी भाग लिए थे, 7 धावक और 14 हॉकी खिलाड़ी, और इसी में भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का क्या नाम है? तो दोस्तों पटना के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम है मोइन उल हक स्टेडियम। एंड नेक्स्ट है कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए किस धमनी का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए ब्रांचियल धमनी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो डेली बेसिस पे मेरा क्लास अवश्य देखिए और अपना स्कोर चेक कीजिए।
जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी चीजें आपको डिस्कशन करने में और डाउट होगा उन सभी चीजों को डाउट मैं क्लियर करूंगी, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको रिवीजन कराती रहूंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।